बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने सोमवार को अगले एशिया कप को लेकर बड़ा अपडेट दिया था। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी, इसलिए टूर्नामेंट को पाकिस्तान से बाहर किसी अन्य देश में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस बयान के बाद माहौल पूरी तरह गर्मा गया। पाकिस्तान ने अगले साल भारत में होने वाले वर्ल्ड में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया कि भारत से कोई दादागिरी नहीं कर सकता। अगले साल एशिया कप के लिए टीम इंडिया के पाकिस्तान दौरे पर फैसला गृह मंत्रालय करेगा। भारत को क्या करना है या क्या नहीं करना है, इस मामले में कोई दूसरा उसे सुझाव नहीं दे सकता, अनुराग ठाकुर ने कहा। हम आईसीसी टूर्नामेंटों में पाकिस्तान के साथ खेलते आए हैं, लेकिन द्विपक्षीय श्रृंखलाओं को लेकर हमारा रुख जो पहले था वो अब भी है। आतंकवाद के साए में क्रिकेट नहीं खेला जा सकता। अगले साल एशिया कप के बाद भारत में 50 ओवरों का विश्व कप खेला जाना है, अनुराग ठाकुर ने कहा। भारत में विश्व कप खेलने के लिए क्वालिफाई कर चुकी सभी टीमों को न्योता दिया जाएगा। भारत अब उस स्थिति में नहीं है कि किसी की सुनेगा, और किसी के पास सुनाने का कोई कारण नहीं है। हम सभी का स्वागत करेंगे, उम्मीद है कि सभी आएंगे। मुंबई आतंकी हमले के मद्देनजर भारतीय टीम ने 2008 एशिया कप के बाद से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। पाकिस्तानी टीम 2012 में 6 मैचों की श्रृंखला के लिए भारत आई थी, लेकिन पिछले 10 साल में दोनों देशों ने द्विपक्षीय क्रिकेट नहीं खेला है।